हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस हिल यूट्यूब नेटवर्क। और गाइस, आज इस पर्टिकुलर सेशन में हमारे साथ हैं राकेश चौधरी, जो फिलहाल इसरो के अंदर साइंटिस्ट हैं। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे, उनकी जर्नी कैसी थी और उनका वहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा है और अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इसरो के अंदर। तो सारे चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में यहाँ पर बात कर रहे होंगे। तो राकेश, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। थैंक यू सक्सेस हिल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो माई सेल्फ राकेश चौधरी, आई एम वर्किंग एज ए साइंटिस्ट इंजीनियर at MCF Hassan ISRO, and ISRO, this we call in North India it is ISRO, and in South India we call it ISRO, mostly in Kerala part. I have completed my graduation in aerospace engineering from Indian Institute of Space Science and Technology in Trivandrum. So there this town came ISRO instead of ISRO. So presently I'm working here in Hassan, and our center is mostly dedicated to our communication satellites. So yeah, okay. And sabse pehle aap hame in brief apni journey ke bare mein bataoge ki aapne kis tarah se apply kiya tha, aap kab pata chala tha ki aap isro ja sakte ho? So main actually navodaya se pass out, 6th class mein main navodaya mein chala gaya tha, navodaya जवाहर नवोदय विद्यालय हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। yes. तो मैंने 6 to 10 वहाँ पे कंप्लीट किया था। उसके बाद 11th and 12th मैंने इधर किया था अलवर। फिर 12th के साथ जेई में नहीं हुआ था, तो हार नहीं मानी, कोटा चले गए। एक साल में जो भी 11th 12th में मिस्टेक्स की थी वो एक साल में नहीं की, तो जेई निकल गया। तो okay. मेरा कुछ 8000 के अराउंड रैंक था, जनरल रैंक ओबीसी कैटेगरी था, तो 1666 मेरा एडवांस रैंक रहा था। और उसी के थ्रू मेरा फिर इस कॉलेज में हो गया था आईएसपी। इससे पहले मैं बता रहा हूँ, मेरे एक दोस्त था, वो मुझे कॉल करता है कि भाई आईएसटी एक कॉलेज है, तो इसने अभी नोटिफिकेशन निकाला है, इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं अगर। तो मेरा मेंस का रैंक बहुत अच्छा था उस टाइम पे, मेंस के थ्रू ले रहा था। मेरा जो मेंस का रैंक था वो 3000 था, जनरल का रैंक, ओबीसी रैंक मेरा 500 का अराउंड था। तो मुझे इजीली मेंस के बेसिस पे इस कॉलेज में एडमिशन मिलता था, बट पहले मैंने इसको इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा कि ये एडवांस पे ले रहा होगा, जैसे एडवर्टाइजमेंट आया इसका मैंने एडवांस पे ले रहा होगा, ये एडवांस में हमारी रैंक इतनी अच्छी है नहीं कि ये कॉलेज में ले ले। तो भाई बोलता है नहीं भाई, इसमें हो रहा है कि मेंस के बेसिस पे ले रहा है। तो फिर नेक्स्ट डे इस पर रिसर्च करना शुरू किया, फिर पता लगा कि ये तो जॉब भी देता है साथ। तो इसका सीन ये रहता है कि उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जिन भी लोगों का 6.5 प्लस था ना, तो उसको इसरो डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर रहा था, उन उतनी वैकेंसी प्रोवाइड करवा देता था और उनको डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेता था। फिर हमारे जैसे ही हमने ज्वाइन किया उस टाइम पे ये बढ़कर 7.5 हो गया था। तो अगर आप 7.5 लेके आते हो सीजी एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ ऑल योर 8 सेमेस्टर, तो आपको इसरो एब्जॉर्ब कर लेगा। पहला जो राइट होगा वो इसरो को होगा आपको एब्जॉर्ब करने का, डिपेंड्स ऑन इसरो के पास वैकेंसी होनी चाहिए। अगर इसरो के पास वैकेंसी नहीं है तो फिर आपको कोई रास्ता नहीं है इसरो में जाने का। अगर इसरो के पास वैकेंसी है तो इसरो को पहला राइट है कि वो आपको एब्जॉर्ब करेगा। अगर आप छोड़ते हैं, आपको एक बार इसरो ने एब्जॉर्ब कर लिया, आप छोड़ते हैं, तो आपको 10 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा या फिर 3 साल कम से कम जॉब करना पड़ेगा। तो मतलब स्टूडेंट के पास यहाँ पे चॉइस नहीं है, पहले इसरो ही चूज करेगा उनको डायरेक्टली, स्टूडेंट की मर्जी नहीं है वहाँ पर। हाँ, अब तक 2022 तक okay. जो भी 22 बैच 21 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये पॉलिसी थी। अभी कुछ चेंजेस आए हैं, तो अभी प्रेजेंटली क्या है कि जैसे 2022 बैच आया है उसके बाद से इसरो ने अपना बॉन्ड निकाल लिया है। अब इसरो इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा। Okay. अभी हमारे टाइम पे क्या होता था कि इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होता था, जस्ट एक सीजी तुम्हारी अगर 7.5 प्लस है तो तुम्हें इसरो में डायरेक्ट जॉब मिल जाए। बट अभी अभी इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वैकेंसी इसरो को अगर चाहिए तुम तो लेगा, नहीं चाहिए तो नहीं लेगा। तो अभी कोई बॉन्ड वगैरह का अभी सीन नहीं, जैसा कि मैंने सुनने में आया, जैसा कि मेरे जूनियर्स बता रहे हैं। आईएसटी में फीस कितनी होती थी लगभग? शायद से काफी कम फीस थी ना, या नेग्लिजिबल ही है? ये ऐसा होता था अभी तक हमारे टाइम पे, क्योंकि प्रेजेंट में सिचुएशन बिल्कुल बदल चुके हैं। ओके okay. हमारे टाइम पे क्या होता था कि ओबीसी और जनरल की फीस होती थी अराउंड 50,000 पर सेमेस्टर।
और उसमें भी आपको फिर वो स्कॉलरशिप टाइप मिल जाता था अगर आपका 7.5 प्लस आ रहा है हर सेमेस्टर में। जैसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में 6.5 आया तो मेरे को नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस नहीं देनी पड़ेगी। ओके तो ऐसे ही अगर फिर वो ओबीसी एंड जनरल के लिए बैंड रहता था 6.5 टू 7.5 के बीच में आता है तो मुझे फीस देनी पड़ेगी, बट हॉस्टल फीस देनी पड़ेगी, ट्यूशन फीस का मेरा नहीं, वो ओबीसी को पूरा देना पड़ेगा 50,000 के आसपास। अगर आप कैटेगरीज हैं एससी एसटी हैं तो आपको कुछ 28 के अराउंड देना पड़ेगा, कुछ मार्जिन देना पड़ेगा। अगर 5.5 से भी कम आता है तो उनको पूरा फीस देना होता था। अदरवाइज ओबीसी एंड जनरल को अगर आपका 7.5 से कम जीपी आता है तो आपको पूरा फीस देना पड़ेगा। तो मेरे साथ वैसे जो आपके साथ वहाँ पे आईएससी में और थे तो सब कोई आईएसओ में मिल गया था, कहीं और भी गए हैं वो स्टूडेंट्स? हमारा बैच था, हम 60 अराउंड एरोस्पेस में थे। आईएसटी में तीन ब्रांचेस होती हैं मेजरली, एरोस्पेस, एवियोनिक्स एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स। एवियोनिक्स को अभी ईसी भी कहते हैं। ये तो होता क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे इसके बारे में, चीज क्या है? जी, एरोस्पेस mostly deals with the atmospheric flights and space flight mechanics. Okay. वही mechanical का part है, कुछ 60% कहते हैं इसको कि 60% mechanical है, but ये ज़्यादा dedicated रहता है अपना जो atmospheric flights रहते हैं, जो अपने aeroplanes रहते हैं, उनके जो engines रहते हैं, उनकी manufacturing कैसे होती है, उनकी structure है, and this is studies कैसे होती है। एंड स्पेस में जो लॉन्च, जो अपने लॉन्च व्हीकल्स जो सैटेलाइट्स को स्पेस में लेके जाते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, वो कैसे काम करते हैं, मोस्टली ये उस एरिया में डील करती है। बाकी जो मैकेनिकल है वो मोस्टली अपने व्हीकल्स में ज्यादा डील करती है कि आपका कार कैसे चल रही है, वो आपको पता है कि मैकेनिकल एक अलग ही। इसलिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग मोस्टली एटमोसफेयर फ्लाइट डायनेमिक्स एंड स्पेस फ्लाइट डायनेमिक्स में डील करता है। तो इसके बाद आ जाता है एवियोनिक्स। एवियोनिक्स मोस्टली आपका ईसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो वो मैं उस फील्ड से नहीं हूँ बट मेरे को नाम से ही आइडिया कि हाँ एवियोनिक्स को आप ईसी ही समझ सकते हैं। अभी उसका नाम भी चेंज कर दिया है, उसका नाम ही ईसी ही आता है, पहले एवियोनिक्स था उसका नाम। जो भी फिर सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करना होगा वो पढ़ते हैं वहाँ पर उसके बारे में? यस 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 यस, मोस्ट ऑफ द कोर्स उनका वही रहता है जो जनरल एक ईसी का कोर्स करिकुलम रहता है। बाकी इंजीनियरिंग फिजिक्स का है वो जो कुछ थ्योरेटिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा आरएनडी एरिया आ जाता है इंजीनियरिंग जो फिजिक्स होता है। तो इतना ही आइडिया मुझे इंजीनियरिंग फिजिक्स का भी कि उनका थोड़ा थ्योरेटिकल रहता है। ठीक है, अभी वो बैच वाला क्वेश्चन बीच में रह गया कि आपके जो बैचमेट्स से उनका कहां फर हुआ? जी जी, हम हमारे ब्रांच में 60 लोग थे, एवियोनिक्स में 60 लोग थे और 20 लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स में थे। अभी जब हम ज्वाइन किए थे तो इंजीनियरिंग फिजिक्स को ड्यूअल डिग्री कर दिया था, तो मीन्स हमारे जो 20 बैचमेट्स थे वो तो एक साल बाद ग्रेजुएट होने वाले थे, और हम फिर भी हमारे साथ थे वो हमारे सीनियर्स थे। तो टोटल मीन्स अराउंड 140 का बैच था हमारा, जिसमें से 110 का TGO 7.5 प्लस था, तो उनको तो इसरो ने एब्जॉर्ब कर लिया। बाकी बाकी के लोग हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं है, जैसा एक बेरोजगार आदमी के कॉलेज से निकलता है वही सिचुएशन थी। कॉलेज में कुछ कंपनियां आती थी, कोई स्टार्टअप्स आते थे, जिनका वहां हो जाता था वो वहां चले जाते थे, बट अभी बाकी का बाकी क्या है, गेट वगैरह लिखते हैं, कोई कैट लिखता है, तो कुछ IITs में चले गए, कोई IIMs में चले गए, और जिनका प्लेसमेंट हुआ कॉलेज से दो चार कंपनियां आती हैं उनके थ्रू वो जॉब करने लगे। तो अभी आपने बोला कि 110 का ISRO में हुआ, तो हर साल इतने का ले लेती है ISRO? इतने का डिपेंड्स करता है कि वैकेंसी कितना है। ज्यादातर कितनी रहती हैं, मतलब ज्यादातर 100 के आसपास ही रहती हैं या कभी कभी नीचे भी जाती हैं? वो कभी हमारी जो सीट मैट्रिक्स आई थी वो एक तो ड्राफ्ट सीट मैट्रिक्स आई थी वो अराउंड 80 के अराउंड आई थी। फिर हमने कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप लोग कंपनीज भी नहीं बुला रहे हैं इधर, और पहली प्रायोरिटी आप इसरो को दे रहे हैं, तो कंपनीज भी, क्योंकि जब आप जो टॉप बंदे होते हैं, जो टॉप एंकर्स होते हैं, उनका तो हो ही जाता है इसरो में,
कंपनी आएंगी तो वो 7.5 नीचे से नीचे वालों को क्यों लेने आएंगे? तो एक कंपनी है उस वजह से भी इंटरेस्टेड नहीं होती थी उस कॉलेज में आने के लिए, बट जैसे हमने एडमिशन रिक्वेस्ट की तो वो अभी तक तो ये पॉजिटिव उनका रहा है कि उन्होंने सीट मैट्रिक्स को अपग्रेड करवा दिया है, अराउंड 100 के आसपास ही लोग 7.5 क्रॉस कर पाते और उन सबको जॉब मिल जाती है। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसरो की बात करें तो इसमें जहां से अभी आए हो तो इसरो के किसी भी ब्रांच में आप जा सकते हो या जो जिसका मतलब कोई बॉन्ड होता है कि पर्टिकुलर एक सेंटर का ही बॉन्ड है आईएससी के साथ? नहीं नहीं, आप इसरो हेडक्वार्टर अगर आपको एब्जॉर्व करता है तो आपको वो आपके पास चॉइस रहती है, आपकी अगर रैंक अच्छी है तो कुछ सेंटर्स रहते हैं तो वो मैं सीट मैट्रिक्स आपको किस तरह हमारी सीट मैट्रिक्स दिखाई देती है हर एक सेंटर के लिए वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो हर एक सेंटर की डेडिकेटेड वैकेंसीज रहती है, जैसे अभी इसरो इसने हसन ने हमारे सेंटर की बात कर ली तो इस साल 2 वैकेंसी निकाल, एक एरोस्पेस के लिए एक एवियोनिक्स के लिए, तो एक एक सीट पे एक एक बंदा आएगा उधर से आईएसटी से। अब उससे पहले जैसे यूआरएससी है बेंगलोर का एक सेंटर, एलपीएससी है वो भी एक सेंटर बेंगलोर में, एक वलियावाला में, त्रिवेंद्रम में, तो वो भी अपनी वैकेंसीज निकालते हैं, हमारे पास इतनी सीट है तो उसी हिसाब से रिक्रूटमेंट होता है और प्रायोरिटी दी जाती है कि जिसकी रैंक अच्छी है वो काउंसलिंग में पहले सीट प्रेफर कर लेगा जो भी उसको सेंटर चाहिए हो। अगर हम डोमेन्स की बात करें आईएसआरओ के अंदर कौन कौन से रिसर्च एरियाज अवेलेबल है? हमें दिखता है कि खाली स्पेस रिलेटेड है लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी कुछ होता होगा, जैसे कंडेंस मैटर फिजिक्स में भी अलग अलग पार्ट के ऊपर रिसर्च होती होगी, जैसे कि डिवाइसेज जो भी बनाने यूज होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, फिर कम्युनिकेशन का हो गया, तो और कौन कौन से ऐसी ब्रांचेज है जो हमें बाहर से नहीं दिखाई देता कि अंदर वर्क कर रही है, वहाँ पर कौन कौन से ऐसे रिसर्च एरियाज? तो जो मेरा सोचना है कि इसरो का जो मानना है ना, इसरो का मानना ये है कि आपके पास एप्टीट्यूड होना चाहिए, आपके पास कैपेबिलिटीज होनी चाहिए आपकी ब्रांच, क्योंकि इसरो का जो मोस्ट ऑफ द काम हो रहा है ना अभी वो इस बेसिस पे हो रहा है कि आपके पास एक मेथडोलॉजी है, आप उसको कैसे एक्टिवली कर सकते हैं, कैसे एक्टिवली उसको रिपीट कर सकते हैं, वो काम हो रहा है। तो इसरो क्या करता है कि आपको एब्जॉर्ब कर लिया, आप सपोज कंप्यूटर साइंस से हैं, आपकी ब्रांच जो भी है, तो मेरे हिसाब से तो इसरो उसको लिस्ट प्रेफरेंस पे रखता है, आपका जो अंटिल एनालिसिस, आप अपने आप आईसीआरबी के टॉपर नहीं रहे, अगर आप आईएसटी में नहीं, आईएसटी में से पास आउट है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा, बट आईसीआरबी का जैसे मैंने लोगों का सुना है कि उनको रिक्रूटमेंट हो जाता है, इंटरव्यू भी अच्छा जाता है, रैंक भी आ जाती है, बट उनका जो सेंटर अलोकेशन है ना वो थोड़ा रैंडम होता है, तो आईसीआरबी लोगों का ये सीन रहता है तो उनको किसी भी सेंटर में डाल दिया जाता है, और इसरो ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको जहाँ पे भी है जिस भी डिवीजन में उसी में अच्छा परफॉर्म करें। ओके ठीक है जी, पर जैसे हम देखते हैं वेबसाइट पे, इसरो की वेबसाइट पे हमें जैसे क्लियर नहीं हुआ कि कौन कौन तरह किस किस तरह की जॉब्स अवेलेबल है, क्या आप थोड़ा समराइज कर दोगे कि हाँ कौन कौन से ग्रेड की जॉब्स अवेलेबल होती हैं स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए अगर 2 तरह से रिक्रूटमेंट होता है, एक तो सेंटर रिक्रूटमेंट होता है, सेंटर आई मीन जैसे हसन एक सेंटर है, एमसीएफ मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ये एक एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो उसमें टेक्नीशियन लेवल पे या फिर कोई इंटर्नशिप आ रही है तो वो अपनी वेबसाइट पे डालता है। दूसरा होता है कि सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट जो इसरो हेडक्वार्टर्स कंडक्ट करवाता है वो, और वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रखता है कि जैसे 350 वैकेंसीज है, इन पे एग्जाम कंडक्ट करवाएगा और जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उसको यूनिफॉर्मली सारे सेंटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो 2 तरह से अभी जैसे इसरो में किसी को इंटर्न चाहिए, ये बहुत क्वेश्चन आता रहता है मेरे पास कि हमें इसरो में इंटर्न चाहिए, हम क्या करना हो, तो आप काफ़ी सारे इसरो के सेंटर्स हैं उनकी वेबसाइट पर जाइए, उनकी वेबसाइट पर आप कैरियर्स एंड अपॉर्चुनिटीज में जाके देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं, काफ़ी सारे तरीके बता के रखते हैं कि भाई आप ऐसे इंटर्न के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी उनका रिक्वायरमेंट होता है वो भी वो उधर मेंशन करके रखते हैं, जैसे एक पीआरएल है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में, वो भी काफ़ी सारा रिसर्च अपॉर्चुनिटीज देता है स्टूडेंट्स को,
अभी आपने कहा कि इंटरव्यू दे सकते हो, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा उनका, मतलब उन्होंने अप्लाई किया अगर वो शॉर्टलिस्ट होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू, कोई एग्जाम नहीं देना उससे पहले? इंटर्नशिप के लिए यस, इंटर्नशिप के लिए आप अपना जो भी आपका सीवी है वो उनको बताए हुए मेल पे मेल कीजिए, अगर उनको आपका सीवी पसंद आता है तो वो रिप्लाई बैक कर देंगे और होपफुली आपको इंटर्न मिल जाएगी। आई गेस इंटरव्यू वगैरह का तो सीन नहीं है उसमें, अगर आपका सीवी स्ट्रॉन्ग है तो, अगर वहाँ के किसी साइंटिस्ट को पसंद आता है आपका सीवी तो वो आपको इंटर्न दे देगा। आई गेस इतना ही है। अगर आईएसटी में होते तो आपके लिए इंटर्न ईजी होता है इसरो के सेंटर से, क्योंकि आईएसटी है वो एक इसरो का ही पार्ट है, तो वहां से फिर प्रायोरिटी भी मिल जाती है आपको इंटर्न। ठीक है जी, आप थोड़ा डिफरेंशिएट कर दोगे कि जो स्टूडेंट्स बीटेक कर रहे हैं या जो बीएससी या एमएससी कर रहे हैं उनके लिए कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं? बीटेक वालों के लिए अभी तक तो देखो कि आईसीआरबी एक एग्जाम होता था जो आई गेस लास्ट 22 में कंडक्ट, 29 बैच का कम्प्लीटली हुआ है, उसके बाद अभी पेंडिंग पे है, उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि अभी रिक्रूटमेंट रुक गया है या फिर फ्यूचर में आएगा, वो होल्ड पे रख दिया गया है। इसरो में सारी वैकेंसी है अभी, तो बीटेक वालों का तो ये है कि वो आईसीआरबी के थ्रू जा सकते हैं। बीएससी एंड मास्टर्स वालों का, एमएससी वालों का मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं है, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँ। वैसे आपने जो अभी सेंटर्स बताए आईएसआरओ के, इंडिया में काफी सारे सेंटर्स हैं, तो कितने सेंटर्स हैं और क्या उनका हर एक सेंटर का फोकस अलग अलग रिसर्च एरिया पे या हर सेंटर कंबाइनली वर्क करते हैं? हाँ, तो नंबर ऑफ सेंटर्स तो काउंट करने पड़ेंगे, वो वेबसाइट पर मिल जाएगा। okay. बाकी हर सेंटर डेडिकेटेड होता है एक स्पेसिफिक काम के लिए। फिर जैसे हम शुरू करते हैं सार से शुरू करते श्रीहरिकोटा, वहाँ जो वो जो सेंटर है वो डेडिकेटेड है आपका सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए, क्योंकि वो लोकेशन अपने लिए यूजफुल है अपने सैटेलाइट को ऑर्बिट में पुट करने के लिए। वहाँ पे सॉलिड वर्क का भी काम होता है, मोटर्स का भी काम होता है, जो रॉकेट में साइड में बूस्टर्स लगे होते हैं उनका भी उधर मैन्युफैक्चरिंग होती है। एंड एक सेंटर है महेंद्रगिरी, वहाँ लिक्विड प्रोपल्शन पे काम होता है, जो रॉकेटरी देखा होगा आपने, रॉकेटरी जो अभी नंबी नारायण का मूवी आया था। अभी नहीं देखा है मैंने। हाँ, तो उसको देखना, वो बहुत अच्छा मूवी है, उसमें आपको थोड़ा सा इनसाइट मिलेगा कि इसरो कैसे काम करता है। तो एक महेंद्रगिरी में एक सेंटर है वो इस पे काम करता है, लिक्विड प्रोपल्शन पे। ठीक है। एंड लिक्विड प्रोपल्शन इंजन मैनुफैक्चरिंग पे काम करता है, वन ऑफ आवर बेस्ट इंजन एवर, दैट इज कॉल्ड विकास इंजन। वो विकास इंजन के बारे में वो मूवी बनी हुई है, वो विकास इंजन वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। एंड एलपीएससी में आ जाते हैं, वो लिक्विड एंड क्रायो टेक्निक्स पे काम कर रहा होता है। एलपीएससी के जो सेंटर्स है, एक बेंगलोर में, एक पलियमला में जो कि त्रिवेंद्रम में, वो लिक्विड इंजन पे काम करता है। बाकी यूआरएससी है, वो आपका जो फ्लाइट डायनेमिक्स पे काम करता है, ऑर्बिट्स वगैरह पे काम करता है। और आपका जो सैक है वो सैटेलाइट स्पेसिफिक सेंटर है, वो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे काम करता है। एंड हमारा जो सेंटर है सीएफ हसन, ये कंट्रोल पे काम करता है, कंट्रोल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। सो जियो स्टेशनरी टर्म आपने सुना ही होगा कि जो भी चीज को हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखते हैं तो वो अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहती है। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है उनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रखा जाता है, और वो क्योंकि वो अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है तो यूजर उनसे इफेक्ट नहीं, यूजर को डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता रहता है। तो जैसे जैसे अर्थ घूमता है वो सैटेलाइट भी घूमता है, तो सैटेलाइट यूजर का एंड सैटेलाइट का जो कम्युनिकेशन है वो बना रहे। तो इस सेंटर का काम है उसको मेंटेन करना, उस सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में मेंटेन करना। तो ऐसे हर एक सेंटर का अपना अपना एक काम है, डेडिकेटेड वर्क है। लास्ट में फिर सबको असेंबल किया जाता है और फिर एक सैटेलाइट बनती है, क्योंकि अगर आईपीआरसी काम नहीं कर देगा, जो कि महेंद्रगिरी का सेंटर है, वो इंजन नहीं देगा, एंड एलपीएससी अगर क्रायो टेक्निक नहीं दे एंड हम कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये एक सारे लास्ट में जाके अपना अपना जॉब कर रहे हैं,
तब जाके जो इसरो है वो सक्सेसफुल हो रहा है। तो हर एक सेंटर का एक अपना इम्पोर्टेंस है, अपना डेडिकेटेड हुआ। वैसे आपका रिसर्च एरिया क्या है? हमारा जो सेंटर है वो मोस्टली ऑपरेशनल सेंटर है। यहाँ पे हम सैटेलाइट को जियो स्टेशन, जैसा मैंने बताया कि जियो स्टेशन सैटेलाइट, तो जियो स्टेशन सैटेलाइट्स को हम ट्रैक करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि वो अपने एक कंट्रोल बॉक्स में रहे। कंट्रोल बॉक्स इन द सेंस, अगर सिंपल भाषा में आपको समझाएं कि आप कोई यूजर है, वो यहाँ से अपलिंक कर रहा है, तो वो एक एस्टिमेट एक डायरेक्शन में अपलिंक करेगा। तो जो सैटेलाइट है एक बॉक्स बनाया हुआ है कि वो बॉक्स में होना चाहिए, तभी यूजर को परफेक्टली कम्युनिकेट कर पाएगी वो सैटेलाइट। तो हमारा काम होता है कि वो सैटेलाइट को इधर वो बॉक्स से वो बाहर ना जा पाए। अगर कोई डिब्रिज वगैरह आती है, कोई एस्ट्रॉइड्स आता है, तो हम सैटेलाइट को शिफ्ट कर देते हैं फिर से अपने उस पोजिशन पर ले आते। तो ये ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग में मैंने बताया है। सुनने में अच्छा लगा। सही है जी। हाँ जी, अभी आप थोड़ा ये बता दोगे कि किस तरह से मतलब प्रमोशन वगैरह होती है, कि जैसे एक स्टूडेंट गया उसको एक जॉब मिली, या मतलब वो एक तरह का काम करेगा कुछ सीखेगा एंड देन वो ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, फिर क्या होता है इसका प्रमोशन का? एक प्रमोशन का तो ठीक है, इसरो में प्रमोशन जो होता है वो हर एक पहला जो प्रमोशन होता है आप 4 साल में चले जाते हैं। बाकी में देखें तो बाकी में क्या होता है कि जब ऊपर पोस्ट खाली होगी तभी आपका प्रमोशन होगा, जैसे BSNL में देख ली। बट इसरो वगैरह में प्रमोशन वगैरह का आइडिया अच्छा है। और ये और बाकी रही बात लोग इसरो छोड़ के क्यों जाते हैं, तो सबका एक अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो किसी को बाहर पैसा अच्छा लगता है, तो किसी को इसरो का काम पसंद नहीं आ रहा होता, तो उस वजह से लोग निकल जाते हैं। क्योंकि आप एक इतने मैच्योर इंजीनियर हो कि आपको लगता है कि आपको जो सैलरी गवर्नमेंट दे रही है वो आपके लिए कम है, तो इसलिए वो इसरो छोड़ देते हैं। ओके। वैसे आपका वहां पर मोस्ट स्टूडेंट्स का सपना होता है कि यार इसरो ज्वाइन करना है, काफी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया का। हाँ, फिर उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है जब आप इस फील्ड में आते हैं तब लगता है कि यार गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है और इतने से क्या ही होगा। हमारा मोस्टली ये आता है कि जैसे आपका कोई बैचमेट है, आप इसरो में काम कर रहे हैं, आपका बैचमेट बाहर कुछ 36 LPA ले रहा है, आपको 12 LPA में काम कर रहे हैं, तो अपने साथ है कि हमें क्या कमी रह गई, हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो ये लुक्रेटिव पैकेजेस अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, और बाकी लोगों का इंटरेस्ट रहता है, किसी को मास्टर्स करना होता है तो वो निकल लेता है। बाकी जो ICRB के लोग होते हैं वो देखते हैं कि उनको सामने से दिखाई देता है कि यार इसरो एक, तो एक तो आपको चीज सीधे सीधे मिल जाती है, जैसे कि IST में आपको आपने CG लिया और आपको जॉब मिल गया। फिर अभी तो क्योंकि आपने ना तो कोई इंटरव्यू फेस किया है और ना ही मेरे हिसाब से आपको इसका इतना इम्पोर्टेंस है कि इसरो क्या चीज है, क्योंकि जब एक ICRB का बंदा आता है तो वो इंटरव्यू फाइट करता है। हालांकि आईएसटी वाले ने भी 12th में एडवांस निकाला है, उसने भी मेहनत की है तभी वो यहाँ तक आ पहुंचे। और दूसरा ये रहता है कि आप अभी इतना जल्दी सेटल नहीं होना चाहते, आपको पढ़ना है और पढ़ना है, आपको मास्टर्स करनी है, आपको MBA करना है, तो ये भी एक रीजन है। क्योंकि जब आप कोई कॉलेज ज्वाइन करते हैं 12th के बाद, तो आपको आप भले ही आपने कोई सी ब्रांच ज्वाइन की हो, तो बहुत कम लोग होते हैं जो उस ब्रांच को स्टिक कर पाते हैं। क्योंकि मेन जो इंटरेस्ट है वो उस 4 साल में पता लगता है कि हम एक्चुअली किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। सही बात है। तो सही ये है। तो हम सोच लेते हैं 10वीं 11वीं में कि हम ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, तुम्हें नहीं पता। जैसे ही कॉलेज में पहुंचोगे, जब अपॉर्चुनिटीज देखोगे ना, तो रियलाइज होता है कि हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ये है, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, फिर लोग उस फील्ड में जाना चाहते हैं। यस। मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक और है कि जैसे ISC से आते हैं और ICRB से आते हैं, तो दोनों का जो एंट्री लेवल सेम है अलग अलग है? मास्टर्स के थ्रू अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप SD पर ज्वाइन करेंगे,
अगर मास्टर के थ्रू रिक्रूटमेंट हो रहा है आपका, बाकी तो एस सी पे ही ज्वाइन करते हैं। लेवल 10 का जॉब है, जैसे अपना जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब है वो लेवल से चलती है, तो ये एस सी है वो लेवल 10 है, एस डी लेवल 11 है। एंड यहाँ का थोड़ा वर्किंग कल्चर के बारे में बता दो, जैसे नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोफेसर या किसी साइंटिस्ट के अंडर काम करते हैं, यहाँ पे क्या आप इंडिपेंडेंट काम करते हो, आपको कोई काम असाइन होता है एंड देन आपको रिपोर्ट करना होता है, या किस तरह का कल्चर है यहाँ पे? यहाँ पे ये रहता है कि आपको एक आपके ऊपर डिप्टी मैनेजर रहता है, फिर मैनेजर रहता है, तो मैनेजर के ऊपर ग्रुप हेड रहता है, फिर ग्रुप डायरेक्टर होता है, तो आपको एक टारगेट रहता है कि ये काम है ये अचीव करना है, और उसके साथ साथ आपका जो बेसिक काम है जो रोज का काम है वो तो करना ही करना, उसके ऊपर आपको कुछ R&D प्रोजेक्ट्स वगैरह में डाला गया होता है, तो वो प्रोजेक्ट वगैरह पे आपका काम चल रहा होता है, तो वो आपको आपने वो हर मीटिंग्स करते हैं, जैसे मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स हम डेडलाइन फिक्स करते हैं कि इस ये टारगेट करते हैं, इस देखो ये एक्टिविटी कंप्लीट होनी चाहिए, तो दो तरह के होते हैं, एक R&D होता है, एक आपका रूटीन जॉब होता है, क्योंकि उसमें भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ऑपरेशंस को देने, सैटेलाइट का जो ऑपरेशन है वो सब ठीक से होना चाहिए, उसके बाद हम R&D पे कुछ फोकस करते हैं कि कुछ चीजों को ऑटोमेट किया जा सके, जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है वहाँ हम चीजों को ऑटोमेट कर सके, तो वो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया हो जाता है। प्रायोरिटी हमारी पहले ऑपरेशंस को रहती है, क्योंकि उसी से हमें एंड ऑफ द डे इनकम आ रहा है, क्योंकि अगर यूजर यूजर सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो पे नहीं करेगा, तो इसलिए यूजर का रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करना अटर इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। एंड अभी जहाँ आपको कौन सी जगह मिलती है स्टे करने के लिए, लाइक इनसाइड इसरो कुछ आपको अपार्टमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं या आपको बाहर रहते हैं फिर? हाँ, इसरो के क्वार्टर्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं खुद के, तो डिपेंड करता है कि अगर वो खाली हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उनमें रह सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो बाहर रह सकते हैं, बाहर आपको HRA मिलता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रहे उस हिसाब से आपको HRA मिलता है। ठीक है, और आपके यहाँ पे वर्किंग टाइमिंग्स क्या रहते हैं, मतलब कि एक तो वीक में 6 days होता है, 5 days होता है, और दिन में कितने, 10 घंटे, 8 घंटे? वो सेंटर टू सेंटर वेरी करता है, जैसे हमारे ये सेंटर है तो हमारे सेंटर का जो 200 होते हैं शिफ्ट आवर्स रहते हैं, जो क्योंकि ऑपरेशन सेंटर है तो 24/7 काम करता है, तो और दूसरा होता है जनरल शिफ्ट आवर्स। जनरल शिफ्ट आवर्स मीन्स आपका 9 to 5:30 रहेगा, जनरल शिफ्ट में लोग आएंगे और 5:30 को लेकर, बाकी जो शिफ्ट जो पैटर्न है वो 3 शिफ्ट में चलता है, आफ्टरनून शिफ्ट में चलता है, फिर आपका नाइट शिफ्ट चलता है, आपका मॉर्निंग शिफ्ट चलता है, तो ये तीनों शिफ्ट में लोग रहते हैं। और 6 days और 5 days वीक जनरल शिफ्ट होता है, और शिफ्ट शिफ्ट का जो यहाँ का टाइमिंग होता है वो 6+2 होता है, 6+2 क्या सजेशन दोगे कि उनकी प्रोफाइल है वो अच्छी हो जाए अगर उनका मन है इसरो में एंटर करने के? तो सबसे पहली बात आ जाती है कि आज के टाइम पे कि आपको कितने एक्टिव है, आप कितना इंटर्न कर रहे हैं, आप कितने चीजों को सीख रहे हैं, आजकल आपके पास सोर्सेज की कमी तो है नहीं, आपके पास ऑनलाइन इतने सारे वेबसाइट्स हैं जो फ्री में कोर्सेज कराते हैं और आपको सर्टिफिकेशन भी देते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जितने ज़्यादा हो सके सर्टिफिकेशन लीजिए आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसमें, और उससे क्या है कि आपका CV अच्छा दिखेगा, और क्योंकि सामने वाले के पास जाता है आपका CV जाता है, आप तो नहीं जाते, तो अगर CV में आपका वर्क रिफ्लेक्ट होता है तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयार हो जाए, तो CV पे काम करिए, इट डज नॉट मैटर। अगर आप IITs में भी गए हैं, IITs में भी आपको लगता है कि यार हमने रैंक तो ब्रांच तो ले ली, बट जैसा कि मेरा बताता हूँ कि मेरा
1666 रैंक था ओमी से, मुझे बॉम्बे का मेटलर्जी मिल रहा था एंड जो एरोस्पेस था वो खड़गपुर वगैरह में मिल रहा था। तो एक ऑप्शन था कि मैं मेटलर्जी ले लेता, बट मेटलर्जी का मुझे कोई आइडिया नहीं था। अब कुछ लोग होते हैं कि मेटलर्जी भी ले लेते हैं, बट आईआईटी में जाकर ऑप्शन आपके पास इतने सारे होते हैं कि आप दूसरे फील्ड में भी अच्छा कर सकते हो, और जस्ट एक मेटलर्जी कोर्स तो पास ही तो करना होता है, वो आप कर लेते हो आराम से। तो पहला तो ये कि आप अपना इंटरेस्ट देखिए, उस पर काम करिए, दुनिया भर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जिनके आप थ्रू आप सीख सकते हैं। मेरा खुद का बताता हूँ, मैंने कॉलेज के टाइम पे एक कोर्स एरा करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, सर्टिफिकेशन भी देता है। तो वहां से मैंने कुछ सर्टिफिकेशन किए थे जब हमें लगा था कि इसरो वैकेंसी नहीं देगा, जॉब नहीं मिलेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं यही कहूंगा कि जब आपको अगर एक्सेल करना है तो आप अभी से सीखना शुरू कर दीजिए जो भी आपका इंटरेस्ट है। और दूसरा ये है कि आज का जो टाइम है वो प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड, आप प्रोग्रामिंग से नहीं भाग सकते, आप किसी भी डिवीजन में हो, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग है ना, प्रोग्रामिंग इज लाइक चेरी ऑन केक, मीन्स आपका जो मेन एरिया है वो तो है ही, उसके ऊपर आपको प्रोग्रामिंग आना जरूरी है, क्योंकि उससे क्या है कि आपका जो एफर्ट्स है वो कम हो जाते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम चीजों को ऑटोमेट कर सकें, तो प्रोग्रामिंग एक अच्छा है कि आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आप सीखना शुरू कीजिए। आप डिटेल में मत जाइए, आपके फील्ड में कैसे यूज हो रहा है उस पर कीजिए, तो ये मेरा एक सजेशन रहेगा जी। वैसे आपका इंटरेस्ट यहाँ पे पहले ही बना हुआ था 11 12 से, या फिर आईएसटी के अंदर जाने के बाद बना था? नहीं भाई, पहला इंटरेस्ट में मेरा ये था कि मुझे आईआईटी क्लियर करना है, ठीक है, क्योंकि आईआईटी क्लियर हुआ ना तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप चीजों को देख सकते हो कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, और आपको एक क्लास ऑफ लाइफ मिलता है। आप नॉर्मल कॉलेज में जाओगे, किसी भी नॉर्मल लोकल कॉलेज में जा रहे हो, आप जा रहे हो आ रहे हो, पता नहीं आपका लाइफ कैसे काम कर रहा है, जैसे पहले थे वैसे ही अब रह जाओगे, बट चार साल में जो ग्रोथ होता है ना आपका मेंटली फिजिकली, और जो भी आपका अवेयरनेस बढ़ता है, जो भी नॉलेज बढ़ता है, चीजों को अंडरस्टैंडिंग करने का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो मेरा जो पहला गोल था यही था कि मैं आईआईटी में सेलेक्ट हो जाऊं, मैं आईआईटी में जाऊं। अब इसरो इसका तो मैंने जैसे बताया कि इसको एडवर्टाइजमेंट मैंने एक बार इग्नोर भी कर दिया, बट एज सच मेरा कोई गोल नहीं था कि मुझे इसरो में ही जाना है, या फिर मेरा पहला गोल था कि मुझे आईआईटी क्लियर करना है, पहले ये तो करें उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। और वैसे अभी पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है आईएसआरओ में अब होने के बाद? हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा है, बाहर जाते हैं काफी इज्जत मिलती है, एंड जॉब भी अच्छा है, जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा पर्सनली है कि मुझे पर्सनल लाइफ भी चाहिए, तो पर्सनल लाइफ भी इतना डिस्टर्ब नहीं होता इससे। तो पर्सनली एक्सपीरियंस ओवरऑल इट इज गुड, यस। जब आपको काम मिला है तो आपको उसको पूरा करना है। अब उसमें आपको फिर पर्सनल चीज जब लॉन्च वगैरह होता है तो लोग रात रात भर जगते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्राइवेट में तो क्या रहता है, प्राइवेट में आपको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं स्टे बैक करने के, आपको नाइट शिफ्ट अगर कोई करवा रहा है, बट आप यहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर हो, आप 24/7 जॉब पे हो, आपको कोई एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह नहीं मिलता। बट वही कि हम किस काम के लिए हैं, किस काम के लिए हमें सैलरी दी जाती है, हम कंट्री को सर्व कर रहे हैं, तो अगर कंट्री की कुछ रिक्वायरमेंट आती है तो हम रहते हैं वहाँ पे हमेशा। अब हमें रुकना पड़े, रात पर रुकना पड़े तो हम रुके, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आवर पर्सनल लाइफ। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपके कोई डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। तो इसरो के बारे में भी कोई जनरल डाउट्स हो या कोई स्पेसिफिक डाउट्स हो, वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके वहाँ आप मैसेज कर सकते हो, हम आपकी क्वेरीज को आंसर करेंगे। So thank you guys and see you in the next video.